हेलो। हाँ तो जय भीम नर्मदा साथियों, इस वक्त आप सीधे जुड़ गए हैं सोनू निगम FB अकाउंट में। लोग लाइव आना शुरू कर दे तो आज हम अपने मुद्दे की बात रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं लगभग 9 बजे जो है लाइव रहने वाला हूँ। अवरिंद भैया जुड़ गए हैं। थोड़ा सा आप लोग लाइव जुड़ जाइए तो सबसे पहले तो आप ये पढ़ लीजिए कि टॉपिक क्या रखा है। टॉपिक मेरा है मध्य प्रदेश में राजनीति में बहुजन दलितों का क्या होगा। काफ़ी मुद्दा जो है बहुत सेंसिटिव है और ये बोलिए कि बहुत कुछ चेंजेस करने वाली है आज की जो राजनीति, जो देश में जो राजनीति चल रही है, खासकर जो मध्य प्रदेश में जिस तरह की जो राजनीति चल रही है उसमें किस प्रकार से प्रभावित होने वाला बहुजन समाज और जिसे हम दलित समाज कहते हैं। तो आज हम जो इसी मुद्दे पर बात करेंगे, खासकर हम बात करेंगे जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो उठा पटक लगी हुई है राजनीतिक। दीपक भैया जुड़ गए हैं, जय भीम। निरंजन सिंह जय भीम। राजेश पाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व बसपा के नगर अध्यक्ष हैं। और आज का लाइव बाकी में बहुत कुछ खास होने वाला है और मैं ये है कोई भी हवा में बात करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दीजिए साउंड आपको क्लियर मिल रहा है कि नहीं, जिससे मैं अपनी बात को आगे रखूँ, नहीं तो मैं इस लाइव को डिसकनेक्ट करके दोबारा से आऊँ। थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए तो उससे मुझे जो थोड़ा सा पता चल जाएगा कि चलो कमेंट आना आपका शुरू हो गया है। मैं इस पर कमेंट पर थोड़ा सा ऑप्शन कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूँगा। चलिए मैंने अब कमेंट स्टार्ट कर दिया है। अभिषेक लहरिया जय भीम भैया। तो अभिषेक आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश में किस तरह की जो राजनीति चल रही है उस पर हम विश्लेषण करेंगे। थोड़ा कमेंट करके मुझे ये जरूर बता दीजिए मेरा जो साउंड क्वालिटी है वो आपको मिल रहा है कि नहीं, और जो मैं बोल रहा हूँ वो साफ आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। इस पर मैं कमेंट क्यों नहीं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा। एक जी हाँ चलिए ठीक है अभिषेक, हाँ ठीक है आवाज़ आ रही है, धन्यवाद। मैं आपके जो कमेंट FB अकाउंट मेरा जो 2 है उस पर आपके सभी जो सवाल हैं वो पढ़े जाएंगे और कोशिश करूँगा एक एक सवाल की आपकी जो जवाब दिया जा सकूँ। यदि आपका कोई सवाल है, सबसे पहले तो आपका यदि कोई सवाल है बहुजन राजनीति से जुड़ा होगा, बसपा कांग्रेस या भाजपा से जुड़ा होगा, खासकर हमारे लोगों से, तो अपना सवाल जरूर कर दीजिए और फिर थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे माननीय कांशीराम साहब की जिनका जो है कल जन्मदिन है। अजय कश्यप भैया जय भीम। संजू भैया जय भीम। हमारे साथ भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, खासकर अच्छे कार्यकर्ता हमारे महेंद्र भैया भी जुड़ गए हैं, जयदीप भैया जुड़ गए हैं हमारे साथ। जयदीप भैया को भी जय भीम कहना चाहूँगा। तो मुद्दा यही है मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुजनों का क्या होगा। अगर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने एक बात पर विशेष तौर से अगर गौर किया हो कि मध्य प्रदेश में लगभग कांग्रेस से 22 विधायक जो है बागी हुए, 22 में से 9 जाटव समाज के विधायक थे और 2 से 3 मंत्रियों ने जो है सिंधिया जी के साथ इस्तीफा दिया, लेकिन बहुजन राजनीति में उनका क्या फर्क पड़ने वाला है ये मैं विस्तार में बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मैं कोई भी बात को हवा में नहीं कहूँगा, सबूतों के साथ उस बात को रखने वाला हूँ कि किस तरह से आगे चल के हमारी जो है राजनीति प्रभावित होने वाली है। तो जल्द से जल्द थोड़ा सा इस लाइव को शेयर कर दीजिए। तो थोड़ा सा साथी वो आप सभी से निवेदन है कि अगर इसे थोड़ा सा अगर शेयर और कर दें तो हम अपनी बात को जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विस्तार में रख पाएंगे। जी चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं, लाइव तो जो है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा।
तो अभी तक मैंने इतना ज़रूर जान लिया कि मेरा जो साउंड क्वालिटी है वो बेस्ट आ रही है। अब थोड़ा सा मैं इसको जी, अब ये मेरा जो है थोड़ा सा पीछे होके बैठता हूँ जिससे मैं आपको क्लियर दिख सकूँ। चलिए अब मैं जो आपको क्लियर दिखूँगा, ये मेरा माइक है जिससे मैं अभी आपसे जो है लगभग हमारी ये बात जो है 1 घंटे तक चलने वाली है। चलिए एक सवाल आ गया है, क्या भरैया जी सही रास्ते पर हैं, क्या उनका बारे में भरैया के साथ देना चाहिए, क्या उनका हमें साथ देना चाहिए। तो अजय कश्यप जी हैं, इनका सवाल है क्या भरैया जी सही हैं और क्या हमें उनका साथ देना चाहिए। मैं आपको ये एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अजय भैया, मुझे नहीं पता भरैया जी को किस कारण से जो है पार्टी से निकाला गया था, क्या गलतियां उनकी रही थी या बसपा की जो गलतियां रही थी जिस कारण से उसे निकाला गया, मैं इस बात की बिल्कुल स्पष्ट नहीं करना चाहूँ। लेकिन आज के दौर में जैसे भरैया जी को अभी आपने देखा, भरैया जी को जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया, राज्यसभा सदस्य क्रमांक 2 मतलब दूसरे नंबर पर प्रत्याशी बनाया गया, पहले पर जो है दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर मध्य प्रदेश के उनको बनाया गया। अब आप एक फैक्ट समझिए, कांग्रेस में लगभग अभी वर्तमान में देखा जाए तो 100 से ज़्यादा विधायक हैं, उसके बाद 22 विधायक जो है बागी हो गए, उनके 22 विधायक यदि उनके जो 110 और 108 के समथिंग उनके विधायक आए थे, अगर उनके विधायकों के यदि आप माइनस करें 22 विधायकों को, मान लीजिए 20 विधायक भी आप माइनस करते हैं तो उनका आंकड़ा जो है पहुँच रहा है 90 पे, समझिए आप इस चीज़ को 90 पे, और एक विधायक एक राज्यसभा सदस्य के लिए लगभग 50 से ज़्यादा जो है विधायकों की जरूरत पड़ती है। तो ये बताइए जब 50 विधायक एक तरफा दिग्विजय सिंह को वोट कर देंगे तो क्या भरैया जी राज्यसभा सदस्य जीत पाएंगे, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। तो अब आप इस समझिए कि ये कांग्रेस की किस तरह से चाल है कि बहुजनों को, और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि भरैया जी का इफेक्ट नहीं, भरैया जी काफ़ी जगहों पर, मैं खासकर अपनी करेरा विधानसभा की बताऊँ तो लगभग 5 से 6 हज़ार वोटों पर अपना प्रभाव डालने का काम करते हैं वो। तो हर जो नेता होता है उसका अलग ही एक प्रभाव होता है, लेकिन अब ये डिसाइड बहुजनों को करना है कि भरैया जी का हमें साथ देना है कि हमें बसपा का साथ देना है कि कांग्रेस का कि भाजपा का, वो आपको डिसाइड करना है। मैं ये आपका जो सवाल किया जाएगा उस सवाल का जवाब ये हो गया मेरी तरफ से, और अब आप इसको किस तरह से लेते हैं वो आप मुझे थोड़ा सा और कमिट कर दीजिए कि आपको इस बात से सहमत है कि नहीं, क्या बहुजनों का वोट काटने के लिए इसे भरैया जी को उपयोग किया जा रहा है या फिर भरैया जी को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके जो विशेष नेता थे वो पार्टी से निकल चुके हैं, इस कारण से भरैया जी को जो बहुजनों में एक बार फिर से एक बड़े अहदे के साथ छोड़ा जाएगा, एक राज्यसभा का एक कैंडिडेट बनाकर। लेकिन हम ये कहते हैं यदि कांग्रेस बाकी में बहुजनों का भला चाहती है, दलित समाज का भला चाहती, तो भरैया जी को प्रथम प्रत्याशी बनाना था जिनकी जीतने के चांसेस जो है 100% हो जाते, लेकिन नहीं, उन्हें दूसरे नंबर का प्रत्याशी बनाया गया और इतने जब कांग्रेस के पास वोट ही नहीं बचेंगे तो वो राज्यसभा सदस्य कैसे बनेंगे। जो दूसरा सवाल है, जो बागी हुए उनकी फिल्म पिटने वाली है सुनील भैया, बिल्कुल बागी विधायकों का अब आपको डिसाइड करना है। एक परसों या कल और परसों में एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें एबीपी न्यूज के जो पत्रकार है वो बेंगलोर के एक होटल में कांग्रेस विधायकों से मिलते हैं, जिसमें कांग्रेस विधायक बात करते हुए, करेरा विधायक जसवंत जाटव बात करते हुए कहते हैं हमें किसी ने जो है बंधक नहीं बनाया है, हम अपनी मर्जी से गए। इस बात को कट करते हुए जो इमरती देवी डबरा विधायक व मंत्री हैं उन्होंने उस बात को काटते हुए हल्का कि हम अपनी मर्जी से आए। तो अब जनता को ये चॉइस करना है, ये लोग अपनी मर्जी से भाजपा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, अब जनता ये डिसाइड करेगी ये लोग अपनी मर्जी से गए थे लेकिन अब इनको भगाएंगे हम अपनी मर्जी से, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अगर वोटर की मर्जी से जाते तो शायद इन लोगों को जो पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं बहुजन समाज ने यदि वोट कांग्रेस को वोट दिया था तो वो भाजपा को हराने के लिए दिया था, ना कि इनडायरेक्टली भाजपा को जिताने के लिए। अब ये जनता चॉइस करेगी और जनता इन विधायकों को जो सबक सिखाने वाली है, जिस तरह से इन विधायकों के बयान आ रहे हैं कि साहब हम तो अपनी मर्जी से गए थे। अजय कश्यप बोल रहे हैं करंट भैया बहुजनों की वोट काटने के लिए उतारा जा, नहीं मैं इसका स्पष्टीकरण बिल्कुल कर चुका हूँ, यदि बाकी में भरैया जी को कांग्रेस
प्रमोट करना चाहती है और बाकी में कांग्रेस बरेली जी का भला चाहती, तो जब लोकसभा विधानसभा चुनाव में जब उन्हें शामिल किया गया तो उन्हें कोई विधानसभा सीट क्यों नहीं दी चुनाव लड़ने के लिए? लोकसभा चुनाव में चाहते तो उन्हें भिंड से चुनाव लड़वा सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसा मौका क्यों नहीं दिया? अब जब पता है कांग्रेस को कि हमारे पास इतने विधायक नहीं हैं, हमारे पास बहुमत नहीं है, एक सीट हम राज्यसभा की इस पर जीत जाएंगे जिसमें वो दिग्विजय सिंह को उतारेंगे और दूसरी सीट पे हमारे जीतने के चांसेस नहीं है, तो उन्होंने एक दलित नेता को जो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। संजय भैया जब अब आपका कोई सवाल हो तो जल्दी से आप अपने सवाल कर लीजिए, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपके सवालों के जवाब दिए जाएं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, फिर मैं अपनी बात को रखूँगा और विस्तार में समझाने वाला हूँ आपको कि राजनीति किस तरह से बहुजन समाज की प्रभावित होगी, खासकर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने किस तरह से मेहनत करके लगन करके अपनी रात दिन एक करके इस कारवा को कैसे प्लस किया था, लेकिन एक झटके में एक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से एक झटके में हमारी राजनीति को प्रभावित करके रख दिया, इस पर हो गई। लेकिन आपके सवाल मुझे बहुत ज़रूरी हैं, मैं आपके लगातार सवाल इस मोबाइल में पढ़ रहा हूँ, ये मेरा सोनू निगम FB2 है जिसमें मैं आपको पढ़ रहा हूँ, तो आपके जो भी सवाल है थोड़ा सा मुझे सवाल कर दीजिए अपने, फिर हम अपनी जो बात को रखेंगे। जी सुनील भैया हैं जो कि सुनील मोरेना से जुड़ रहे होंगे, पत्रकार हैं बहुजन समाज के, और चलो अजय कश्यप जी का एक सवाल आया है, मैंने सुना है कि करेरा विधानसभा में दीनदयाल फिर BSP में आ गया है, अगर ऐसा हुआ तो मैं दीनदयाल का विरोध करूं। जी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दीनदयाल आपने सवाल किया कि दीनदयाल जो है बसपा में आ गए, तो मैं आपका इसका स्पष्ट कर दे रहा हूं, मैं नगर अध्यक्ष हूँ करेरा विधानसभा से, और पार्टी में यदि कोई भी व्यक्ति करेरा विधानसभा में भी शामिल होता तब भी मुझे खबर होती है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पार्टी का यहाँ पर जो सोशल मीडिया का काम देखता हूँ, जहाँ तक कि मुझे जानकारी है दीनदयाल जाटव जो नरवर से हैं वो पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, और जब तक इस बात का स्पष्टीकरण माननीय जिलाध्यक्ष धनीराम चौधरी जी और मैं करेरा से अपने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से या लेटर पैड पर ये जारी नहीं कर देते कि बसपा में कोई शामिल हुआ है, तब तक हम नहीं मानेंगे कि कोई साथी बसपा में शामिल हुआ है। हाँ खबरें कई हैं, कई जो कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, वो बसपा में शामिल होना चाहते हैं और उनके शामिल होने के लिए हमने उन्हें कल बुलाया, कल जो है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और बहुजन समाज के महानायक मानवर कांशीराम साहब का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमने एक बैठक रखी है जो कि हमारे करेरा में, वहाँ पर जो है हम उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, और लेकिन यदि कोई सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहा है कि मैं बसपा में शामिल हो गया हूँ, सोनू निगम उस पर कार्रवाई करने का काम करेगा, जब तक हमें इस बात का स्पष्टीकरण हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी और मैं सोनू निगम करेरा, यदि कोई करेरा क्षेत्र से करेरा नगर से अगर कोई शामिल हो रहा है तो जब तक मैं स्पष्टीकरण ना कर दूं, कोई पार्टी के यदि गलती से भी अगर पार्टी का नाम डाल के अगर कार्यकर्ता बताता है तो उस पर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। चलिए मैं दूसरा और सवाल देख ले रहा हूं, किसी साथी का कोई सवाल आया हो। महेंद्र सिंह कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं करेरा से। सौरभ भार्गव जी जुड़ गए हैं, पत्रकार हैं करेरा से, एक दमंग पत्रकार, एक ऐसी छवि रखते हैं बेमिसाल, जाति धर्म से उठकर सभी पार्टियों का बराबर सम्मान करते हैं, इनकी नज़र में सभी पार्टियों का जो है काफ़ी अच्छा सम्मान, ये मैंने अभी लगभग 1 से 2 साल की राजनीति में जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ काफ़ी अच्छी कार्यशैली इनकी रही है। चलिए मैं दूसरा सवाल देख ले रहा हूँ, किसी साथी का यदि सवाल आया हो तो। जी अजय कश्यप संजय जी का सवाल ले रहा हूँ पहले, संजय जी बोल रहे हैं कल सीपरी में भी बैठक है। जी संजय भैया कल सीपरी में भी बैठक है और सुबह जो है लगभग 11 बजे से सीपरी में बैठक होगी, उसके बाद शाम को जो है बसपा नगर की तरफ से, मैं नगर अध्यक्ष बसपा हूँ तो मैंने एक बैठक बुलाई है जिसमें करेरा में काफ़ी लड़की हैं जिनका कॉल आया जो कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल होना चाहते हैं, उनकी जो है सदस्यता कराई जाएगी, तो उसके लिए मैं जो है शाम को बैठक रखने वाला हूँ, समय और तारीख सुबह डिसाइड की जाएगी। मैं एक सवाल और ले रहा हूँ, अजय कश्यप बोले मैं भीम आर्मी जिला सचिव हूँ और मैं अपने साथ BSP ज्वाइन करना चाहता हूँ। बिल्कुल अजय कश्यप जी आपका स्वागत है, आप मुझे कॉल कर लीजिए जैसे ये लाइव ख़त्म होगा, आप मेरे अबाउट में जाके नीचे मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ 7024 4 बार 717, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉल करके कल या तो आप सीपरी में अगर आप चाहते हैं जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में
पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कर लीजिए, और आप यदि नगर के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, आपका बिल्कुल स्वागत है। हमारे साथ दीपक अहिरवार जी भी जुड़े हैं, दीवान सिंह बघेल जुड़ गए हैं जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कर रहा है और अभी वर्तमान में जिला महासचिव बसपा हैं, नरवर से हैं, बघेल समाज से आते हैं। जीतेन भैया जय भीम जय भीम, आप सभी साथियों को एक बार मैं सभी को जय भीम नमोद्धाय करता हूं। और यदि आपके कोई और सवाल हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी सवाल कर लीजिए, फिर हम अपनी बात को जो और आगे बढ़ाएंगे। और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा समय निकाल कर, इस लगभग एक डेढ़ घंटे वाले चलने वाली है, और यकीन मानिए हम फिल्मी गाने सुनने में और तमाम फालतू की चीज़ों में हम अपने घंटे बिता देते हैं, लेकिन जब हमारा एक भाई हमारे साथ, हम शायद बैठक कर पाते तो बैठकों में इतना नहीं हो पाता कि 50 लोग आते हैं, हमारे कोई सवाल होता है हम अपने सवाल भी नहीं कर पाते हैं, धरे के धरे रह जाते। लेकिन आज आपका भाई, आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ बैठ के लाइव जुड़ा है, जो भी सवाल हैं बिल्कुल बेधड़क पूछिए, मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। मेरी नज़र किसकी तरफ है और मैं किसके साथ हूँ वो भी स्पष्ट करूँगा, और चैनल को मुझे किस तरह से मुझे चलाना है वो भी मैं आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, सवाल ज़रूर कीजिए अपने। जी मैं आपके सवालों का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे आपकी यदि सवाल आ जाए तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी मुझे। जी साथियों अभी तक आपका कोई दूसरा सवाल नहीं आया है। मैं भिंडरौन से हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जिला दतिया है। चलिए अजय कश्यप जी एक सवाल कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जिला दतिया है, विधानसभा कर रहा है, कहाँ ज्वाइन करूँ? तो मैं आपको एक बात का स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, जहाँ पे आपकी विधानसभा होती है आप वहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि आपको वोट विधानसभा में करना है, जिले में नहीं। आपका जिला दतिया लगता है लेकिन विधानसभा करेरा लगती है, तो आपको विधानसभा अध्यक्ष से बात करनी होगी। हमारे साथ दीपक अहिरवार जी जुड़ेंगे, दीपक अहिरवार जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो कमिट कर दीजिए, तो ये अजय कश्यप जो साथी हैं वो आपसे संपर्क कर लें। वैसे अजय जो है एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और काफ़ी टाइम से पहले से ही जुड़े हैं हमसे, तो इनसे थोड़ा सा और बात कर लीजिए। जितेंद्र पूछ रहे हैं किस बारे में मीटिंग है भाई, मध्य प्रदेश में कौन जिले से हो? लाखन केवल पूछ रहे हैं आपके जिले से, मैं आपको बता दूं मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा से हूं, मेरा नाम सोनू निगम है, मैं नगर अध्यक्ष हूं करेरा विधानसभा से। महेंद्र भैया का सवाल जो बहुत रोचक है, कल भीम आर्मी पार्टी बना रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी महेंद्र भैया आपका सवाल बहुत मतलब बहुत सोचीदा है, मुझे इस सवाल को यकीन मानिए बहुत सोच समझ के देना होगा, और मैं माफ़ी चाहूँगा शायद मैं आपके इस सवाल का आज जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं भीम आर्मी पार्टी बने। मैं यदि आप मेरा बहुमत अकेला चाहते हैं कि मैं अपना स्पष्टीकरण दूं कि मैं भीम आर्मी की तरफ हूं या नहीं, या आप भीम आर्मी पार्टी बना रही है वो फैसला कैसा है, अगर आप इस पर मेरी व्यक्तिगत राय रख मानना चाहते हैं तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूं। और रही सवाल कि भीम आर्मी पार्टी बनाएगी तो क्या होगा या ना होगा, तो वो सवाल मैं आपका जवाब नहीं दे पाऊँ, तो मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं बहुजन समाज के साथ हूँ, दूसरा मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ हूँ, तीसरा मैं बहन मायावती जी के साथ हूँ, फुले साहू अंबेडकर विचारधारा के साथ हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भीम आर्मी जो है इस विचारधारा के विपरीत है, क्योंकि भीम आर्मी से कहीं ना कहीं हमारा वोट जो है प्रभावित होगा। और मैं बस अपना स्पष्टीकरण कर दे रहा हूँ, मैं भीम आर्मी के साथ नहीं हूँ, हाँ लेकिन मैं बहुजन समाज के हर उस कार्यकर्ता के साथ हूँ जो फुले साहू अम्बेडकर पैरियर की विचारधारा को आगे पहुँचाना चाह रहा, जो मानवर साहब कांशीराम ने जो सपना देखा था कि हर प्रदेश में हमारी सरकार हो, उस हित के लिए मैं काम कर रहा, मैं हर उस बहुजन का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं भीम आर्मी का सपोर्टर नहीं हूँ, ये मैं अपनी तरफ से स्पष्टीकरण कर दे रहा हूँ। महेंद्र सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं अभी बहुजन समाज में जाना दलित नेता की जान ठीक नहीं होगा, बहुजन समाज में जाना दलित नेता कि जान ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा हूँ महेंद्र भैया, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर आप सवाल दोबारा कर दें तो। मैं अभी बहुजन समाज में जाना दलित नेताओं की जान जाना ठीक नहीं होगा, बिल्कुल अभी जिस तरह से
ये भैया का सवाल बहुत अच्छा था कि अभी जो दलित नेता हैं, खासकर जो बहुजन समाज के जो नेता हैं, उनका दलितों के बीच जाना बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने विद्रोह करके बसपा के विपरीत जाके कांग्रेस को वोट दिया था, जो आदमी बसपा का कट्टर था उसने भी कांग्रेस को वोट करने का काम किया सिर्फ इसलिए कि संविधान विरोधी बीजेपी को रोका जा सके। लेकिन हमारे वोट का क्या होगा, एक झटके में हमारे वोट का जो है सौदा कर दिया गया। इसलिए उनका ये सवाल बिल्कुल लाजमी है कि यदि इस तरह से हुआ तो हो सकता है बहुजन समाज जो अभी गुस्से में बैठा है, जो हताश निराश बैठा है, हो सकता है बहुजन समाज के जो नेता जाएं उन पर हमला कर सकता है। शायद इनका सवाल यही था, और अगर जवाब से संतुष्ट हैं तो मुझे बताइए, नहीं आप दोबारा सवाल बताइए, मैंने आपका सवाल जो सही से नहीं पढ़ पाया हूँ। सिपरी से सवाल आ गया, एक सिपरी से एजाज अली हैं जो कि सिपरी से मध्य प्रदेश से, इनका सवाल है मुझे बहुजन पार्टी से जुड़ने के लिए क्या करना होगा, आप स्पष्ट करें। जी एजाज अली जो हैं, आपको मैं बता दूं, आप सिपरी से हैं शायद, मैंने आपकी एक पोस्टें पढ़ी हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, कल जो है बसपा की बैठक है जो कि कर्मचारी भवन में, कल बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है तो उसको लेकर जो बसपा की एक बैठक रखी गई हैगी उसमें आप आइए, और आप पहले थोड़ा सा समझिए उस चीज़ को। यदि आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, कर्मचारी भवन 11 से 1 के बीच आप आइए, हमारी बैठक है, आप वहाँ पर पहले प्राथमिक जो सदस्य बनिए बसपा के, और फिर जो है आप बहुजन समाज पार्टी के साथ तन मन धन से साथ कीजिए, साथ दीजिए, और बहुजन समाज पार्टी आपको आपकी मेहनत और आपकी लगन को जो है आगे पहुंचाने का काम करेगी, ये मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। एक और सवाल आया है जो कि हमारे करेरा के दबंग पत्रकार हैं सौरभ भार्गव जी, उनका सवाल क्या है, देखिए अगर अब चुनाव हुए तो बसपा किस टिकट देगी, प्रागीलाल अतः गरीब के साथ 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन ईमानदारों शालीनता उनमें बहुत है, क्या पुनः टिकट मिलेगा या अन्य किसी को। तो सौरभ भार्गव जी का सवाल है क्या बसपा जो है प्रागीलाल जाटव जी को जो आने वाले चुनाव में फिर से चुनेगी या कोई नया प्रत्याशी होगा। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के पास कई सारे प्रत्याशी हैं, हमारे प्रागीलाल जाटव जी हैं, राजेंद्र करई हैं, और विद्या सिंह राठौर हैं, अमिता चौधरी जी हैं, और भी हमारे साथ हमारे पास कई जो बसपा के पास प्रत्याशी हैं। अब ये पार्टी को डिसाइड करना है कि वो चौथी बार बसपा से प्रागीलाल जाटव को टिकट देगी या फिर नहीं देगी। जहाँ तक कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो वरुण अम्बेडकर जी, मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि जब तक बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ये ऐलान नहीं करती है कि हमको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, तब तक मुझे या बसपा के किसी भी पदाधिकारी को ये घोषणा नहीं करनी है कि हम जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हम सिर्फ अपनी जो टीम है उस टीम का जो है हम फिर से विस्तार कर रहे हैं, और हम अपनी टीम को जो है बढ़ावा देने में लगे हैं, और हम सदैव बसपा पार्टी, कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में ये रहता होगा कि ये लोग शांत रहते हैं लेकिन हमारा जो है अंदरूनी काम सदैव चलता रहा है। अब ये पार्टी डिसाइड करेगी कि उन्हें उन्हें उपचुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। यदि मध्यवर्ती चुनाव होता है तो 100% बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव लड़ेगी, लेकिन उपचुनाव ज़्यादातर बहुजन समाज पार्टी की जो गाइडलाइन है उसमें उपचुनाव के लिए कोई लाइन नहीं है, और यदि गाइडलाइन से हटकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मध्य प्रदेश के उपचुनाव का ऐलान करती है तब हम ये स्पष्ट कर पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी किसको बनाया जाएगा या कौन रेस से आगे रहेगा। चलिए अब मैं आपका और सवाल ले ले रहा हूँ, ये नारायण नारायण ने ये पूछा है ऐसा तुम किसी के बारे में कैसे बोल सकते हो। नारायण जी आप मुझे थोड़ा सा सवाल दोबारा कीजिए, ऐसा मैंने किसके बारे में क्या गलत बोल दिया है। अब दूसरा संजय साहब, हमारी पार्टी तो BSP, हमें संगठन चाहिए था तो हम भीम आर्मी मिल गए, अब वो भी पार्टी बना रहे हैं तो हम क्या करें। तो महेंद्र भैया आपका सवाल था कि यदि भीम आर्मी पार्टी बनाती है तो आपका रुख क्या होगा। एक हमारे साथी हैं संजय गौतम, इन्होंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, इन्होंने कहा है कि हमें संगठन चाहिए था, हम संगठन के लिए भीम आर्मी के साथ जुड़े थे लेकिन यदि भीम आर्मी पार्टी बनाती तो हम उसके साथ नहीं हैं, ये इनका सवाल है। और जहाँ तक मैंने अपना स्पष्टीकरण कर दिया, मैं भीम आर्मी के साथ नहीं हूँ, मैं भीम आर्मी संगठन के साथ हूँ, यदि जब तक वो संगठन रहेगा मैं उसके साथ रहूँगा, और जिस दिन वो पार्टी ऐलान किया तब भी मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, और यदि वो
स्पष्ट कर देते हैं और पार्टी बनाने की घोषणा कर देते हैं तो मैं भीम आर्मी के साथ नहीं हूँ। अजय कश्यप बोल रहे हैं, मैंने सुना है कि प्रागीलाल जाटव जी पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। जी, जिला पंचायत चुनाव की उन्होंने घोषणा की थी, जो सिपरी जिला पंचायत की 8वीं वार्ड है, जो 8 नंबर की वार्ड है, उससे माननीय प्रागीलाल जाटव जी ने घोषणा की थी कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी ये डिसाइड होगा, यदि उपचुनाव पहले होते हैं तो क्या वो उपचुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसकी मैं अभी बिल्कुल भी आपको स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरी माननीय नेताजी से लगभग 4 दिन से कोई बात नहीं हुई, तो मैंने उनसे नहीं पूछा है कि विधानसभा चुनाव होगा कि नहीं होगा। यदि विधानसभा चुनाव होता है तो माननीय प्रागीलाल नेताजी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उसके लिए आपको मेरे FB अकाउंट से जुड़े रहिए, जैसी भी कोई अपडेट होगी मैं आपको अपडेट डाल दूंगा। अभी उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है, अभी सिर्फ उन्होंने ये घोषणा की है कि मैं वार्ड क्रमांक 8 से जो है चुनाव लड़ने वाला हूँ। चलिए, एक और सवाल है महेंद्र सिंह कुशवाहा जो कि कांग्रेस से यहाँ पे नेता हैं, दलित नेताओं ने दलितों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। बिल्कुल यही बात मैंने स्पष्ट की थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस नेता ने क्या किया, मुझे नहीं पता कौन नेता स्वार्थी है या किसने अपने स्वार्थ के लिए किसी को घातक किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज घात हुआ है बहुजन समाज के साथ। आप एक चीज़ स्पष्ट समझिए, मध्य प्रदेश में लगभग 22 विधायक बागी हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो जाटव और दलित समाज के विधायक थे जो बागी हुए। अब आप ये समझिए, जैसे तैसे तो बड़ी मेहनत से हमारे लोग विधायक बनते हैं, कि वो यदि इस्तीफे दे देते हैं तो किस प्रकार से राजनीति प्रभावित होती है, ये तो आप समय ही बताएगा कि दोबारा से हमारे उतने विधायक जीत पाएंगे कि नहीं। यदि यही जितने विधायक थे अगर वो अपना पूरा पाँच साल का जो कार्यकाल है वो सही से करते तो यकीन मानिए अगली बार कांग्रेस और भाजपा इतनी मजबूर हो जाती कि वो लगभग जितनी SC सीटें थी पूरी SC सीटों पर लगभग जाटव समाज को, हर SC सीट पर जाटव समाज को प्रत्याशी बनाने का काम करती। और यही इस बार हुआ था, क्योंकि कांग्रेस बखूबी इस चीज़ को समझती थी कि यदि बहुजन समाज पार्टी को या बसपा को हराना है तो हमें सबसे पहले जो है जाटव को अपना प्रत्याशी बनाना होगा। यही कारण रहा था कि ग्वालियर चंबल संभाग की हर सीट SC सीट पर जाटव समाज के प्रत्याशी को उतारा गया, क्योंकि जाटव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बसपा के वोट काट सकता है। यकीन मानिए यदि जसवंत जाटव जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो प्रागीलाल जाटव जी 100% यहाँ से चुनाव जीतते। तो ये बात भाजपा भी समझती है, ये बात कांग्रेस भी समझती है कि यदि बसपा के वोट काटना है तो उस बसपा के वोट सिर्फ जाटव काट सकता है, और जाटव जो है जाति देखकर वोट दे देता है, वो पार्टी भी नहीं देखता है, वो अपना आदमी देखता है कि यार चलो बसपा नहीं जीत रही तो चलो कांग्रेस को जिता दिया जाए। और यही कारण था कि ग्वालियर चंबल संभाग में जाटव जो है जो कट्टर बसपा का था उसने तलक जो है कांग्रेस को वोट देने का काम किया, लेकिन एक झटके में किस प्रकार से हमारी राजनीति प्रभावित हुई ये आप बखूबी समझिए। शायद एक दो हमारे जाटव विधायक इस्तीफे देते तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साथ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की प्रत्येक सीट से जो जाटव विधायक बने थे उन्होंने इस्तीफा दिया। मुझे नहीं पता क्या कारण रहा था, क्या मजबूरियां रही थी और क्या रहा था जिस कारण से जो उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन एक बात आप स्पष्टीकरण से समझिए कि जाटव समाज की राजनीति पूरे ग्वालियर चंबल संभाग अर्थात पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावित हुई है, इस चीज़ को आप बखूबी समझ लीजिए। अब शायद ही हमें ऐसा मौका मिलेगा कि तब हम ग्वालियर चंबल संभाग की प्रत्येक SC सीट पर जाटव समाज का विधायक बैठा पाएंगे। चलिए, और सवाल हैं कुछ, मैं थोड़ा सा पढ़ ले रहा हूँ। मुझे भी अंकुर राज मौर्य हैं, बोल रहे हैं मुझे भी ज्वाइन करना, हम भी तुम्हारी विधानसभा बस सीढ़ी से हैं आम कार्यकर्ताओं, और फतेहपुर में हुई घटना पर क्या एक्शन लिया, आगे के लिए क्या सोचना है। तो फतेहपुर की जो घटना हुई थी जिसमें एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, मैं वहाँ पे आपको स्पष्टीकरण कर देता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने उसके लिए क्या किया। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय जो हैं
धनीराम चौधरी जी, हमारे करई से राजेंद्र प्रसाद जी, दीवान सिंह बघेल जी नरवर से, ये सभी लोगों ने, और करेरा से दीपक अग्रवाल जी साथ गए थे और जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन दिया गया था कि जल्द से जल्द दोषियों पर ये कार्रवाई की जाए। और कलेक्टर से एक विशेष बैठक जो है बहुजन समाज पार्टी का जो प्रतिमंडल सिप्री है उसने बैठक की और ये स्पष्ट किया था कि यदि इस तरह की घटना करेरा विधानसभा में नहीं रुकती है तो बहुजन समाज पार्टी इसके लिए जो उग्र आंदोलन करेगी। और इसके लिए लगातार उन्होंने दो बार जो कलेक्टर से मिले और उचित कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इसकी वीडियो जो है आप मेरे यूट्यूब अकाउंट bahujanyoutuber.com पर जाकर आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो भी डाला है। चलिए अगला सवाल है, कार्यकर्ताओं में बहुजनों की संगठन नहीं है क्या? कर्नाटका में बहुजनों की संगठन नहीं है क्या? तो मैं आपको बता दूं साथी, मैं मध्य प्रदेश से हूं, कर्नाटका की जानकारी मेरे पास नहीं है कि कर्नाटक में बहुजनों की संगठन है कि नहीं। यदि आप मध्य प्रदेश से कोई सवाल जुड़ा है, खासकर सिपरी जिले से कोई सवाल है, तो आप मुझसे करिए। चलिए अजय कश्यप जी हैं, ये सवाल बहुत बार आता है कि बहुजन समाज पार्टी जो ब्राह्मणों की नीति पर चल रही है। अजय जी, आपने सवाल किया, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अजय बोल रहे हैं, लोग सतीश चंद्र मिश्रा पर सवाल उठाते हैं कि मिश्रा को बीएसपी ने बहन जी को हटाना चाहिए, तो क्या ये सही गलत है? सबसे पहले मैं स्पष्ट ही कर देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसमें सभी धर्म जाति मजहब के लोगों को बराबर का सम्मान मिला है। आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती दलित, मुसलमान जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं, सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुनकात अली राष्ट्रीय महासचिव हैं, और दानिश अली जो अमरोहा से सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, महासचिव हैं, और रितेश पांडे जो डॉक्टर अंबेडकर नगर जो संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, वो जो विशेष तौर पर जो है उन्हें उत्तर प्रदेश का काम दिया गया, यानी कि अगर उनकी कारणी देखें जो राष्ट्रीय लेवल की जो बहन जी की कार्यकारिणी है उसमें सभी जातियों सभी धर्म के लोगों को बराबर मान सम्मान मिला है। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करती है। आप जाके इंटरनेट पर ये सर्च कर लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता कौन कौन है, तो आपको उसमें सर्व जाति के लोग मिल जाएंगे। सवाल नंबर आपका यही कि सतीश चंद्र मिश्रा को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कब निकाली, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ बहन मायावती जी उन्हें जो कभी नहीं निकालने वाली, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा को लाने पार्टी में सदस्यता दिलाने का काम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने नहीं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब ने किया था। ये मैं आपको स्पष्ट करने देना चाह रहा हूँ। जो लोग ये अफवाह फैलाते कि ब्राह्मणों की वजह से बसपा हार रही, वो अपनी गलत फहमी में है, क्योंकि 2007 की आप सरकार उठा लीजिए, 107 विधायक पूरे 107 विधायक जो ब्राह्मण समाज की बहुजन समाज पार्टी की 2007 की सरकार में थे, मंत्री थे, दलित भी मंत्री थे, ओबीसी भी मंत्री थे, ऐसे ऐसे लोगों को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मंत्री बनाने का काम किया है, जिन लोगों के पास एक जोड़ी कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। ये संघर्ष रहा है बहन जी का। तो अजय भैया चलिए मैं आपको इसको दोबारा बता दे रहा हूँ, आपने एक सवाल किया जी सतीश चंद्र में सवाल, क्या चंद ब्राह्मणों के होने से क्या बीएसपी ब्राह्मणों की पार्टी हो गई? जिस तरह से हजारों दलित आज भी कांग्रेस बीजेपी में है, तो क्या बीजेपी कांग्रेस दलितों की पार्टी हो गई? नहीं हुई ना। तो ये आप समझिए, ये सिर्फ जिन लोगों को कुछ काम नहीं होता है, इनको सिर्फ इस बात के पैसे मिलते हैं कि आप बसपा की बुराई कीजिए, वो लोग इस तरह का प्रकोंडा चलाते हैं और ये अफवाह फैलाने का काम करते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से जो पार्टी पीछे जा रही। और मैं आपको स्पष्ट करने देना चाहता हूँ, जब संकट की घड़ी बहुजन समाज पार्टी पर आई और अच्छे अच्छे जो दलित नेता थे जिन्हें हम राष्ट्रीय लीडर मानते थे, उन लोगों ने साथ छोड़ने का काम किया और बहन जी के साथ कदम से कदम मिलाने का काम सतीश चंद्र मिश्रा ने किया था। इसलिए उनको पार्टी से निकालना ना निकालना जो राष्ट्रीय नेता हमारी बहन मायावती जी, उनका सवाल है। यदि वो निकालती हैं और नहीं निकालती तो वो उनकी मर्जी है। चलिए अब मैं दूसरा सवाल ले ले रहा हूँ, सारे दलितों पर अत्याचार कब होगा? सर दलितों पर अत्याचार कब बंद होगा? तो लाखन रखवाले जो कि शायद कर्नाटका से, वो सवाल कर रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार कब बंद होगा। दलितों पर अत्याचार उस दिन बंद हो जाएगा जिस दिन बाबा साहब ने कहा था, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना मतलब आत्महत्या के समान है बहुजन समाज के लिए। और जब तक
आप कांग्रेस बीजेपी को वोट देते रहेंगे और जब तक हमारे ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। ये लोग दो पेड़ की तरह, ये पेड़ देख रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, ये पेड़ नहीं, दो उंगलियाँ हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये इनको देखिए, ये समझिए कांग्रेस है और ये समझिए बीजेपी है, तो ये समझिए बीजेपी है और ये कांग्रेस है। तो इन दोनों की यदि आप नीचे देखें, ये देखिए नीचे जड़ें मिली हुई हैं, जड़ें मिली, यही आज की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी का है। ये दिखने में जरूर दो पेड़ हैं लेकिन इनकी जड़ें जो नीचे एक है, और ये साबित लास्ट के जो 10 दिन थे, 10 दिनों में ये स्पष्ट हुआ है कि बीजेपी कांग्रेस एक है। और बाबा साहब अम्बेडकर, और यही बात बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब ने कहा था, जब भाजपा कांग्रेस एक होने लगे ना, समझ जाना चाहिए कि आपका जो दलित संगठन है, जो आपकी दलित माइनॉरिटी है, और आप जो एकजुट हो रहे हैं, मतलब आप सफल हो रहे हैं। जब ये लोग दोनों एक होने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आप सफल हो रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल ले रहे हैं, अभी सभी बहुजन समाज के कांग्रेस का साथ देना चाहिए। महेंद्र भैया आपका सवाल अच्छा है, आप अपने स्तर से बोल रहे हैं कि कांग्रेस का साथ देना चाहिए। क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस को, जिनको हम कांग्रेस से जिताएंगे, वो हमारा साथ देंगे, या फिर किसी के बहकावे में आकर या किसी के कहने पर आकर वो कांग्रेस छोड़कर फिर से बीजेपी में चले जाएंगे और इस तरह से हमारा वोट इनडायरेक्टली जो बीजेपी को पहुंच जाएगा। इस बात की आप गारंटी लेते हैं कि कांग्रेस हमारे साथ फिर से धोखा नहीं करेगी जिस तरह से अभी हुआ है? चलिए साथियों, अगर आपका कोई और सवाल है तो आप 16 सवाल पूछ लीजिए, आज मैं आपकी हर सवाल का जो जवाब दे रहा हूँ। और इस वक्त आपके जो सवाल हैं इसमें पढ़े जा रहे हैं। चलिए आपका जबीम भैया, रिंकू खटीक, अमोला बोरा, राजनीति सभी लोगों के साथ लेना पड़ता है, राजनीति में सभी लोगों का साथ लेना पड़ता है, क्या बीजेपी कांग्रेस एक हुई? इस बात से आप सहमत हैं, या आप ये कहना चाहते हैं कि सर्वजन का साथ लेना चाहिए? ये कहना चाह रहे हैं आप कि भाजपा कांग्रेस जो साथ हुई है उसको एक कहना चाह रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं ग्वालियर से। जयभीम, मुकेश राजपूत, प्रजापति जुड़े हैं, स्वागत है आपका हमारे इस FB अकाउंट में, सोनू निगम में। चलिए साथियों, आपके कुछ सवाल और हों तो बिल्कुल आप सवाल पूछिए, आपका हर सवाल जो है इस मोबाइल में पढ़ा जा रहा है, जो कि मेरा FB अकाउंट 2 है। इस अकाउंट को जो है ज़्यादातर जब भी मैं लाइव आता हूँ, इस कारण से मेरा जो है इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। चलिए सौरभ भार्गव जी का एक सवाल ले रहे हैं, उन्होंने पूछा विद्या सिंह राठौर का बारे में स्पष्ट जवाब दीजिए। तो विद्या सिंह राठौर वर्तमान में, उनके बारे में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, विद्या सिंह राठौर जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। उन्होंने जो है जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय बागी होकर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, अभी तक उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यदि वो बसपा में फिर से आती हैं या फिर बसपा में आकर फिर से काम करती हैं, तो जो मध्य प्रदेश की टीम है वो सोचेगी कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए या ना बनाया जाए। जहाँ तक मेरी उनसे एक दो बार बात हुई है, उन्होंने इस पर बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया है कि वो ना तो वो कांग्रेस में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और ना ही बसपा में काम कर रही हैं। यदि वो स्पष्ट तौर से किसी के साथ काम करती हैं तो आपको जल्दी अपडेट दिया जाएगा। ये सौरभ भार्गव जी का सवाल था। चलिए आप लोग थोड़ा सा सवाल करते जाइए तो थोड़ा सा आसानी होगी हमारी जो है बात को जो है आगे बढ़ाने में। जी राहुल का सवाल है, क्या लगता है अब कांग्रेस फिर से आ पाएगी? तो राहुल जी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कांग्रेस द्वारा से आएगी या नहीं आएगी। अब करेरा के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, काफ़ी कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और काफ़ी कार्यकर्ता जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और कुछ कार्यकर्ता जो बचे हैं वो कांग्रेस का अभी भी साथ हैंगे। माननीय
और मानसिंह फौजी जी ने अभी तक पार्टी का छोड़ने की कोई घोषणा नहीं की है। पूर्व विधायक शकुंतला खटीक जी ने इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं की है। ऊपर लाइव जुड़े हमारे महेंद्र सिंह कुशवाहा ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ऐसे अभी भी कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अभी इनकी मेहनत और इनकी लगन पर और इनकी स्ट्रेटजी पर ये निर्भर करेगी कि कांग्रेस फिर से जीतेगी अथवा नहीं जीतेगी। मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूँगा, बहुजन समाज पार्टी इस बात से जोर शोर से चुनाव लड़ेगी यदि बसपा सिर्फ बहन मायावती इस तरह की घोषणा करती हैं कि हमें उपचुनाव लड़ेंगे। जल्द ही हम अपने जो प्रदेश के अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी उनसे बात करेंगे कि पार्टी का रुख क्या है, क्या वो उपचुनाव लड़ेगी अथवा नहीं लड़ेगी। तो उस पर ये राहुल भाई आपका सवाल बिल्कुल। इजाज अली बोल रहे हैं मुझे बीएसपी में क्या कोई पद मिलेगा। जी आप बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी में शामिल होइए, मैंने आपको कल का बता दिया। कल कर्मचारी भवन में आप आइए, आप सिपरी से जहाँ तक मुझे जानकारी है आप आइए बहुजन समाज पार्टी में शामिल होइए। आप अपने क्षेत्र का नाम बताइए, किस क्षेत्र से आप काम करेंगे, उचित तौर पर जो आपको सटीक जो पद बैठेगा जिस पर आप अपने तन मन धन से अपनी बहुजन समाज पार्टी में निष्ठा से बहुजन महापुरुषों और देश को आगे बढ़ाने में काम करेंगे, आपको एक उचित पद जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। माननीय हमारे जिलाध्यक्ष धनीराम चौधरी जी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। चंद्रशेखर सिंह मायावती को डर क्यों है? रिंकू धनेला जी बोल रहे हैं चंद्रशेखर सिंह मायावती को डर क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ना जाने कितने संगठन, चंद्रशेखर एकलौता एक संगठन नहीं, इससे पहले हजारों संगठन बहुजन समाज पार्टी में आए और गए। और बहन मायावती जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चंद्रशेखर पार्टी बनाए या संगठन बनाए। जिस तरह से टिप्पणियाँ आती हैं और ये एक राजनीति का ये एक स्टैंड है एक दूसरों पर टिप्पणी करना, तो वो काम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी करती हैं। और जहाँ तक की बात डरे होने की भाई, तो बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती ने कभी डरा नहीं है, उन्होंने कड़े से कड़े मुकाबले जो है जीते हैं, हारे हैं और लड़ी हैं वो, ये उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं चंद्रशेखर का। जी हमारे साथ ओबीसी से महेंद्र सिंह लोधी जुड़ गए हैं, जो कि ओबीसी महासभा जो मध्य प्रदेश में है उसमें पदाधिकारी हैं। अभी लगभग एक महीने से मेरे मित्र हैं एबी पर, और लगातार जिस तरह से ओबीसी समाज का मुद्दा जो बना हुआ था उस ओबीसी समाज के मुद्दे को जो है लीड कर रहे हैं। आप देखिएगा, अगर एक चीज़ पर गौर किया हो आपने, यदि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार गिरती है तो एक कारण दूसरा ये भी बनता है, कहीं ना कहीं जो कमलनाथ ने 27% ओबीसी आरक्षण की जो बात की थी उसको लेकर भी कई सारे जो मेरे ओबीसी नेता जो जिनसे मेरी बात हुई वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कारण ये है। जब उमा भारती जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी उन्होंने भी जो है आरक्षण लागू किया था, उसकी वजह से उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी थी और यही दिग्विजय सिंह ने किया, शायद ये भी एक कारण बन सकता है कि उन्हें जो अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। यकीन मानिए ये बात आप महेंद्र सिंह लोधी जी से सीख सकते हैं कि संघर्ष किस प्रकार से होता है। यदि आपको बाकी में कुछ करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बिना मांगे आपको ये मनुवादी सरकार है जो बीजेपी कांग्रेस जो मनुवादी सरकार है वो बिना मांगे आपको कुछ नहीं देने वाली है जब तक आप लड़ेंगे नहीं। और जब तक आप लड़ेंगे और जब तक आप जीतेंगे, और जब तक आप लड़ेंगे नहीं आप जीत नहीं सकते। तो लड़िए अपने हक और अधिकार के लिए, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है। हमारे जितने भी महापुरुष हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, फुले, साहू, अम्बेडकर, पेरियर, रामास्वामी, तमाम हमारे जो महापुरुष हुए, चाहे वो SC समाज से हो, ST समाज से हो, OBC समाज से हो, बिना संघर्ष के उन्हें कुछ नहीं मिला है। साथियों यदि आपके और कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप बेझिझक आप सवाल कीजिए, आपके सवालों के मैं अपने स्तर से जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, यदि आप संघर्ष कर सकते हैं तब तो आप राजनीति में रहिए, नहीं फिर बिल्कुल आप घर बैठिए अपनी पढ़ाई कीजिए और मौज कीजिए। लेकिन जब आप अत्याचार होंगे फिर किसी से ये उम्मीद मत रखिए कि कोई आपका साथ देगा, क्योंकि यहाँ कोई किसी का साथ ही नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है। यदि आप आगे चलते हैं तो आपके साथ देने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आप ये कहो कि हम पीछे चलते हैं और आगे दूसरा चले तो ये संभव नहीं है। आपको खुद संगठित होना होगा, संघर्ष करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुजन महापुरुषों को पढ़ना होगा। चलिए
मनीष जी का सवाल है, चंद्रशेखर क्या भीम आर्मी यूपी में चुनाव लड़ेगी? सोनू भाई देखिए, मैं भीम आर्मी से नहीं हूँ, आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जहाँ तक कि उनके जो ट्वीट आते हैं चंद्रशेखर की जो ट्वीट है, उनमें कहा गया है कि भीम आर्मी जो है पार्टी बनाने के बाद जो है जो जिला पंचायत के चुनाव होने हैं वो सारी उत्तर प्रदेश की सीटों पर जो चंद्रशेखर चुनाव ले लेंगे, ये उनकी घोषणा है, ये मेरी घोषणा नहीं है, मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ। चलिए साथियों, और सवाल हों तो आपके कोई सवाल कीजिए। चलिए एक सवाल और आ गया है, सूरज भान सिंह यादव सरपंच हैं जो कि करेराई से हैं, इनका सवाल है, सोनू जी बताइए उपचुनाव में बीएसपी उपचुनाव करेरा लड़ेगी क्या? तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी अभी तक की जो गाइडलाइन रही है बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी जो है उपचुनाव नहीं लड़ा है, किन्हीं इक्का दुक्का सीटों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी जो उपचुनाव लड़ती है। और यदि एक साथ लगभग 20 से ज़्यादा सीटों पर उपचुनाव होते हैं तो शायद जो राष्ट्रीय लेवल की जो कार्यकारिणी है और हमारी बहन मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये फैसला ले ले कि हम जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बात की स्पष्टि नहीं है। जिस दिन बहन मायावती जी अपनी ट्विटर अकाउंट से या फिर जो उनका जो लेटर पैड होता है, जो प्रेस नोट जारी होता है, इसमें जिस दिन ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी जो उपचुनाव लड़ेगी, तभी हम इस बात की स्पष्टीकरण करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जो करेरा विधानसभा या मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। आपकी बात कब हुई थी बहन जी से कि वो चंद्रशेखर से डरती हैं? जी ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल था रिंकू धनेला जी ने ये पूछा था। रिंकू धनेला नरेश जी, नरेश चौरसिया जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सवाल जो है धनेला जी ने, रिंकू धनेला जी ने पूछा था कि बहन मायावती जो है चंद्रशेखर से डरती हैं, ये सवाल। तो जितेंद्र पालिया जी बोल रहे हैं जवाब क्यों नहीं दे रहा जी, इनका सवाल कौन सा था, किस सवाल का जवाब? आप अपना सवाल जी द्वारा से कर दीजिए, मुझे मेरे तक ये सवाल आपका नहीं पहुंचा तो शायद मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो नरेश जी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, रवि धनेलिया, रिंकू धनेलिया जी हैं, इनसे आप सवाल कर दीजिए, ये बता रहे हैं कि बहन मायावती जो है चंद्रशेखर से डरती हैं, तो ये सवाल आप इनसे पूछिए किस तरह से डरती हैं। मुझे तो जो है कहीं नहीं लगता है, और मेरा मानना है कि बहन जी के मुकाबले में चंद्रशेखर कहीं भी नहीं है। जितेंद्र पालिया जी आप बोल रहे हैं कि जवाब क्यों नहीं दे रहा, जितेंद्र पालिया जी आपका सवाल बताइए दोबारा से, आपका सवाल कौन सा है तो मैं आप जवाब दूँ। और चलिए इनका सब, मनीष जी का एक सवाल है, एमपी बीएसपी के एमएलए किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं सोनू भाई? तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहन मायावती जी ने जिस दिन मध्य प्रदेश में दो विधायक जीते थे, बहन मायावती ने जो है बाहरी जो समर्थन जो है कांग्रेस को समर्थन दिया था, क्योंकि हमारे पास बहुमत में विधायक नहीं थे, हम जो है किंग मेकर बन के यदि भूमिका निभाते तो हम अपनी जो है नियमों और शर्तों और हमारे कुछ शर्तें लगकर जो है बहुजन समाज पार्टी जो है कांग्रेस से समर्थन देती शर्तों के थ्रू, लेकिन हमारे पास इतने विधायक नहीं थे, सिर्फ दो विधायक थे जिनको जो है बाहरी रूप से जो कांग्रेस का समर्थन देने की बात जो है बहन मायावती जी ने कही थी। जी सिद्धार्थ जी सवाल कर रहे हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है तो बहुजनों के वोट किधर जाए? तो वो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अभी इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं हुई है कि बहुजन समाज पार्टी जो उपचुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है, तो आपको मुझे नहीं लगता इस सवाल का कोई मतलब होगा। हाँ लेकिन यदि नहीं लड़ती है तो क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। चलिए साथियों मैं आपके और कुछ सवाल ढूंढ रहा हूँ, यदि आपके कुछ सवाल मिल जाते हैं। चलिए साथियों थोड़ा सा आप अपने
सवाल करते रहिए तो मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपके सवाल देने, सवालों के जवाब देने में। चलिए थोड़ा सा मैं कमिट नहीं, हाँ जी अब आने लगे हैं मुझे कमिट अदर से। चलिए मैं आपके कमिट देख रहा हूँ, थोड़ा सा कमिट पढ़ने में मुझे आसानी नहीं हो पा रही है जी। मैं आपके कमिट ढूंढ रहा हूँ, जैसे आपके जी अब मुझे आपके कमेंट फिर से दिखने लगे हैं जी। अब आपने सवाल कीजिएगा, अभी सिद्धार्थ का ही सवाल जो है डिस्प्ले कर रहा है और किसी साथी का जो सवाल नहीं है। अरविंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जी सूरज भान सिंह यादव जी का सवाल फिर से शो कर रहा है डिस्प्ले पर, तो सूरज भान जी पूछ रहे हैं करेरा विधानसभा में प्रागीलाल जी जाटव जी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे उपचुनाव में जी। हाँ तो सूरज भान जी यादव जी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अभी इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं है विधानसभा से प्रागीलाल जाटव जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। ये समय और उस समय की राजनीति हलचल ये तय करेगी कि माननीय प्रागीलाल जाटव जी बसपा के प्रत्याशी होंगे या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, और ये होंगे या नहीं होंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि प्रागीलाल जाटव जी कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, तो मैं बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ के लगभग हजारों कार्यकर्ता जो है, जो बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं, वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं जाने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी यदि कांग्रेस में जाता है तो वो स्वाभाविक से बिल्कुल जाए, हम उससे कोई सवाल नहीं करेंगे। यदि वो जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी को नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारी पार्टी एक है, वो बहुजन समाज पार्टी है चलिए तो मैंने आपके इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया, अभी कोई भी ऐसी घोषणा नहीं है कि माननीय प्रागीलाल जाटव जी जो है कांग्रेस में जा रहे हैं, और यदि वो कांग्रेस में जाते हैं तो सोनू निगम उनके साथ नहीं जाने वाला है। ये मैं आपको आज इस लाइव के माध्यम से स्पष्ट करने देना चाह रहा हूँ, चाहे तो आप इस चीज़ को जो लॉक कर लीजिए, या फिर बाद में कहने के लिए ये हो जाएगा कि सोनू भाई आपने घोषणा की थी कि आप जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे, और मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ, ये मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी। दीपक धनेला जी, दीपक भैया का सवाल है, भाई भाई कल भीम आर्मी पार्टी बना रही है, आप क्या करोगे? तो मैं आपको स्पष्ट करने चाहता हूँ दीपक भैया, यदि एक मिनट, यदि भीम आर्मी पार्टी बनाती है तो वो बिल्कुल पार्टी बनाए और बहुजन समाज में अपना काम करे, अपना काम दिखाए कि उन्होंने जो सामाजिक जो संगठन चलाया था, कितने युवाओं को जोड़ा, कितने वरिष्ठों को जोड़ा, और उन्होंने जो मेहनत की, मैं चाहूँगा कि उनकी मेहनत जो आगे चल के रिजल्ट लाए। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं भीम आर्मी के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। जब तक भीम आर्मी का संगठन है, जब तक संगठन के रूप में भीम आर्मी है, जब तक मैं उनके साथ हूँ। और जब से भीम आर्मी अपनी पार्टी का ऐलान कर देती है और पार्टी का गठन शुरू हो जाता है, मैं उस वक्त से भीम आर्मी से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, मैं सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये दीपक जी आपको मेरा जवाब है चलिए साथी, अगर आपका कोई और सवाल हो तो बता दीजिए। मैं इस लाइव को जो थोड़ा ख़त्म करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे तैयारियाँ करनी है, कल जो हमारी बैठक है उसके लिए मुझे अपने कई साथियों को कॉल करना है, उनको जगह समय डिसाइड करके जो स्पष्ट करना है। तो आपका यदि कोई और सवाल है तो आप बिल्कुल बेझिझक कीजिएगा, और जो भी साथी कांग्रेस भाजपा के या किसी भी पार्टी में अभी तक शामिल नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत है, आप आइए, आपको बिल्कुल स्वागत है। मैं अपना एक बार आपको नंबर बोल दे रहा हूँ, मेरा नंबर 70 24 77 77 17, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉल करके बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और किसी साथी का कोई और सवाल हो तो बिल्कुल जल्दी से सवाल कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा।
चलिए मैं कुछ और सवाल देख ले रहा हूँ, यदि पीछे कोई सवाल छूट गया हो तो। जी जी चलिए चलिए, एक सवाल और आ गया है। आप ये चलिए आप ये बताइए कि मायावती पढ़ी लिखी नहीं तो कागज लेकर स्पीच क्यों देती हैं। चलिए ठीक है, ये आपका सवाल, ये सवाल जो है कई बार बहुजन समाज के लोग पूछते हैं कि बहन जी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी पढ़ पढ़ के स्पीच क्यों देती हैं, इसका सवाल का जवाब आज आपको मिलने वाला। तो आपको मैं बता दूं, सन 1995 में बहन मायावती जी के गले का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण से उन्हें जो है ज़्यादा तेज बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया। यही कारण है कि बहन जी जो स्पीच पढ़ पढ़ के, और आपने एक देखा होगा अब बहन जी जो आक्रामक होकर भाषण नहीं देती हैं, वो धीरे धीरे पढ़ पढ़ के बोलती हैं। अगर 1995 से पहले की अगर आप उनके भाषणों को यदि आप उठा के देखें, तो कोई से भी यूट्यूब पे चले जाइए, आप बहुजन समाज पार्टी की जो एक वेबसाइट है bahujansamajparty.com उस पर चले जाइए और उनके पुराने 1995 से पहले के भाषण उठा के देख लीजिए। उनके उनके हाथ में कोई भी किसी प्रकार की पर्ची नहीं होती होती थी, और किसी भी प्रकार का जो वो पढ़ पढ़ के नहीं बोलती थी, सिर्फ अपने मन से जो स्पीच होता था वो बोलती थी। लेकिन उनके गले का एक बड़ा ऑपरेशन होने के कारण वो जो है स्पीच पढ़ पढ़ के बोलती हैं, और इस बात की पुष्टि उन्होंने कई बार अपने ट्विटर हैंडल से भी की है, और कई सारी उनकी जो बुक्स हैंगी उस बुक्स में भी उनका जो है इस बात का वर्णन है। और अच्छी बात है दीपक भैया, सवाल सही था। ये सवाल मुझे कई बार एफबी पर भी पूछा जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। और आपने ये कहा है कि बंजी जो पढ़ पढ़ के क्यों बोलती हैं, थोड़ी देर में जैसे ये लाइव ख़त्म होगा मैं आपको एक वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें आप खुद सुन लीजिएगा कि बहन मायावती जी क्या कहती हैं इसके बारे में। और पढ़ पढ़ के बोलने का एक फ़ायदा ये होता है कि हम कभी भी गलत भाषण नहीं देते हैं। आज तक बहन मायावती जी का रिकॉर्ड रहा है, कभी भी उन्होंने भड़काऊ भाषण और कोई भी जाति धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचे इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, जो कि आजकल आपको आए दिन देखने को मिलते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस तरह का नहीं करती है, कांग्रेस बीजेपी में आपको आए दिन इस तरह की स्पीच सुनने को मिल जाएंगे कि वो बोलते कुछ और है, निकल कुछ रहा है मुँह से, और कहीं अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं और किसी पर गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में गलत टिप्पणी करने वाले और गलत विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं, चाहे वो कोई हो, उसे तत्काल बहुजन समाज पार्टी से निकाला जाता है। मनीष शिल्पकार जी बोल रहे हैं, सोनू भाई आप अगले टाइम के एमएलए होंगे। जी मैं इस बात का नहीं कह सकता हूँ, ये तो समय बताएगा। यदि बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी चाहेगी तो हम आगे जो चुनाव लड़ेंगे। जी भाई जब आपका जन्म ये बताओ, जन्म नहीं पढ़ी नहीं तो कागज़ लेकर पढ़कर स्पीच दी थी। भाई आप ये बताओ, मायावती जी क्या पढ़ी लिखी नहीं है जो कागज़ पढ़ लिख कर स्पीच देती है? तो मैं आपको स्पष्ट आपको इस बात की स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि जब सोच सोच के भाषण देना होता तो उसमें कुछ और फर्क पड़ता है, लेकिन पढ़कर भाषण देना होता तो उस पर गले पर प्रभाव नहीं पड़ता। अभी मैं इस मोबाइल से लाइव देख रहा हूँ, आपके सवाल पढ़ रहा हूँ, पढ़ पढ़ के आपके जवाब दे रहा हूँ, तो मुझे कितनी आसानी हो रही है, और मैं अपनी बात को जो विस्तार से सही से रख पा रहा हूँ। और यही बात यदि मैं सोच सोच के कहता तो मुझे सोचना पड़ता उस चीज़ को, और कभी पता चलता मैं अर्थ का अनर्थ बोल रहा हूँ। आपका नाम दीपक है और आपका नाम कुछ राजेश बोल रहा हूँ मैं, तो ये अर्थ का अनर्थ नहीं करना, और यही बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी में एक एक शब्दों को तोल तोल के बोला जाता है, हमारा मकसद कभी किसी को भड़काना नहीं होता है, और ना ही किसी की भावनाओं को, ये नहीं है कि किसी को गुंडा हो, किसी को डाकू, किसी को डकैत कह दिया, ये नहीं होता है। हमारे स्पीच पहले एक दिन पहले लिख जाता है और एक स्पष्ट भाषा में उसको समाज में परोसा जाता है, क्योंकि हम लोग पार्टीवाद में चला रहे हैं, बहुजन महापुरुषों का एक संगठन चला रहे हैं, और संगठन चलाने में क्या होता है आप बखूबी समझते हैं। चल जी जी मैं बता जी की एजुकेशन बैकग्राउंड देख लो, यहाँ ना पढ़े अनेक डेबिट अपने आप खत्म हो जाएगा। जी तो दीपक भैया आपने जो सवाल किया था उसका जवाब हमारे एक साथी अजय सिंह ने दिया है, मायावती जी की एजुकेशन बैकग्राउंड देख लो या ना पढ़े होने का डेबिट अपने आप ख़त्म हो जाएगा।
आप भवन मायावती जी की एजुकेशन को देख लीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएगा। वो कितनी पढ़ी लिखी हुई हैं और उन्होंने अब तक कौन कौन सी डिग्रियां की हैं, आप उनके बैकग्राउंड को पढ़ लीजिए, तो आपके मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के कोई सवाल जो करेंगे। अक्षय पालिया जी क्या बात है जी, धन्यवाद, वेरी गुड सोनू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। के पी जी को आप बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल मंडेलिया जो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, यहाँ तक कि बहुत अच्छे मित्र हैं, जब मैं सेवन्थ स्टैंडर्ड में था सातवीं क्लास से मेरे साथ में रहे हैं, और अभी लगभग कॉलेज की लाइफ आ गई तो उसमें भी मेरे साथ हैं, और बखूबी पूरे बहुजन समाज पार्टी में मेरा साथ देते हैं। जब चुनाव हुआ था तब भी काफ़ी साथियों ने, आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। यही आपकी आप सबकी मेहनत और लगन थी कि बहुजन समाज पार्टी लगभग 40 से 45 हज़ार वोटों को क्रॉस कर पाई थी। राजेंद्र प्रसाद जी जिला महासचिव हैं बसपा से, और यहाँ तक कि संभावित जो आने वाले चुनाव संभावित प्रत्याशी हैं करेरा विधानसभा से, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वेरी गुड कहा। और मेरा मकसद है दीपक भैया से मैं एक बार और जुड़ना चाहूँगा थोड़ा सा। दीपक भैया आप बुरा ना माने, अगर हमारे लोग ही अपनों पर ही उंगली उठाएंगे तो हम लड़ेंगे किन से? जिन मनवादियों से हम लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं, एक मुट्ठी बना रहे हैं, अगर उन लोगों से तो बाद में लड़ पाएंगे जब हम अपने लोगों के सवालों से वाकिफ कर पाएंगे। अब समझ रहे हैं आप मेरी बात को, आपके सवाल बखूबी थे और मैं मानता हूं कि जो मैंने आपको कहा है आप मेरे सवालों से स्पष्ट हो गए। अगर आप स्पष्ट नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और अच्छे से समझा सकता है जी। और साथियों के कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछिए, चुनाव को लेकर आपके कोई सवाल हो बिल्कुल पूछिए। बहुजन राजनीति से, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह से बहुजन समाज की राजनीति प्रभावित हुई है, उससे कोई जुड़ा हुआ सवाल है तो बिल्कुल पूछिए जी। मैं आपके सवाल लगातार जो है आपके सवालों को ढूंढ रहा हूँ जी। साथियों आपके कोई सवाल नहीं आ रहे हैं, अब आप अपने सवाल जरूर करते रहिए मुझे। मैं लगातार जो है आपके सवाल ढूंढ रहा हूँ जी। साथियों आपके कोई और सवाल हो तो बिल्कुल सवाल कीजिएगा। और साथियों मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा एक यूट्यूब अकाउंट है जिसका नाम है बहुजन यूट्यूबर। जब बहुजन यूट्यूब लिखने के बाद आपको ERO लगाना है, इस तरह से आप बहुजन यूट्यूबर करके सर्च कर लीजिए, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं जो बहुजन समाज से जुड़ी कई सारी जो वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जिसमें लगभग 9 लाख सब्सक्राइबर, मैं उनको सब्सक्राइबर नहीं बोलता हूँ, वो मेरा एक परिवार है पूरा, लगभग 9,000 लोगों का मेरा एक परिवार हो गया है। FB पर लगभग 6,000 लोग मेरे फॉलोवर्स हैं और 3,500 मेरे मित्र हैं, तो ये मेरा पूरा एक परिवार है सोशल मीडिया पर। जिन्हें बाकी लोगों के लिए ये फॉलोवर्स फ्रेंड सब्सक्राइबर हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए एक फैमिली है, तो मैं इन्हें अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ। जो मेरे साथ लगभग 9,000 की फैमिली जो है यूट्यूब पर हो गई है, और लगभग 6,000 की फॉलोवर्स फैमिली जो है मेरी फेसबुक पर है, और 3,000 से ज़्यादा मेरे मित्र हैं। मेरे दो FB पर दो अकाउंट है, सोनू निगम ही नाम से हैं, एक सेकेंड है एक फर्स्ट है। दरअसल अकाउंट जो पिछली बार जब मैं SC ST 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर मैं लाइव आया था, जिसकी वजह से लगभग मुझे 90 दिन के लिए YouTube द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। मैं कोई भी पोस्ट नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से मुझे दूसरा अकाउंट बनाना पड़ा। और यदि आप लोगों के कोई और सवाल हैं तो बिल्कुल सवाल कीजिएगा जी। जी साथियों अगर आपके कोई सवाल हैं तो सवाल कीजिए, मैं आपके सवाल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जी चलिए साथियों मैं आपके सवाल ले रहा हूँ, कोई सवाल हो तो इसमें चलिए। चलिए साथियों तो फिलहाल आपके कोई सवाल नहीं आ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए साथियों आपके कुछ सवाल आ गए हैं, बामसिब BSP के साथ क्यों नहीं है? अच्छा जी शिव
रोज शिवरोज जी बोल रहे हैं कि बामसेब जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ क्यों नहीं, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब द्वारा जो अनरजिस्टर्ड जो बामसेब बनाई गई थी वो आज भी बसपा के साथ हैगी, और जो एक रजिस्टर्ड बामसेब जो बनाई गई थी बामन बेश्रम की तरफ से वो बामसेप अलग है। लगभग पूरे भारत में जो दो से तीन बामसेप चलती हैं, एक बामसेप जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ है, एक बामसेप जो बामन बेश्रम के साथ है। तो जो अनरजिस्टर्ड थी मतलब जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था वही ओरिजिनल बामसेप थी जो आज बहुजन समाज पार्टी के साथ काम कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी में जो शासकीय कर्मचारी हैं वो उस बामसेप में जुड़े हुए हैं। अंकुर बुनकर जी, नेक्स्ट टाइम मिले भाई जय भीम। तो जय भीम भाई आपको बहुत अच्छा लगा आपका लाइव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको साथ ही आपको स्पष्ट कर अंसारी जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं लाइव कोशिश करता हूँ मैं काफ़ी बार लाइव आने की, लेकिन मैं लाइव इसलिए नहीं आ पाता हूँ कि मेरे अकाउंट को जो हर बार से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, और मुझे एक लाइव के कारण से मुझे लगभग दो से तीन महीने जो है परेशान होना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त कमल कश्यप जी जुड़ गए हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथियों बहुजन राजनीति से जुड़ा होगा खासकर मध्य प्रदेश से आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कीजिएगा, मैं अपने उचित अनुभव से उस सवाल का जवाब दूंगा यदि मैं आपके सवाल को देने लायक रहा तो, अगर मेरे लायक हुआ सवाल तो माफ चाहूँगा। लेकिन अब इतना स्पष्ट हो गया है कि चलिए चलिए अब आपका अब मैं जिस मुद्दे के लिए लाइव आया था वो चलिए बात करते, तो अब आप समझिए मध्य प्रदेश में लगभग 22 विधायक जो बागी हुए कांग्रेस छोड़ सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर ली, कुछ लोगों ने अभी भी असमंजस है। तो समझिए सबसे ज़्यादा जो इस्तीफा देने वाले विधायक हैं उनमें जाटव समाज के विधायक हैं, जाटव समाज के लगभग 9 विधायक और 2 मंत्री हैं, प्रभु चौधरी, इमृति देवी, करेरा से जसवंत जाटव, डबरा से इमृति, और आपकी भांडर से जो है रक्षा संतराम सरोनिया जी, और आपके कमलेश जाटव जो कहाँ से हैं मुरैना की अंबा सीट से हैं, और रणवीर सिंह जो है भिंड की गोंद सीट से। तो इस तरह से 6 तो ये स्पष्ट विधायक हैं जो ग्वालियर चंबल संभाग के, इन्होंने जो इस्तीफा दिया है। क्या मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या बहुजन समाज ने इन लोगों को वोट इसलिए दिया था कि ये लोग जो है बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, मतलब हमारा इनडायरेक्टली हमारा जो हमने कांग्रेस को जो वोट दिया था वो इनडायरेक्टली जो है बीजेपी को चला जाएगा, क्या आपने ऐसा सोचा था कभी? नहीं सोचा हो, हमने वोट दिया था संविधान विरोधी भाजपा और मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से भरी हुई बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था, ना कि कांग्रेस को जिताने के लिए। हमने कांग्रेस को जिताया, मैंने ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैंने कांग्रेस को जिताया, लेकिन बहुजन समाज ने कांग्रेस को जिताया कि संविधान विरोधी जो भाजपा है उसको हराया जा सके। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस के कुछ स्वार्थी विधायक मंत्री नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए चंद नोटों में इस बहुजन समाज की राजनीति को एक मिनट में दूसरों के हाथों बेचने का काम किया। क्या इन लोगों को जो है जो खबरें चल रही सोशल मीडिया पर कि करोड़ों रुपए इन्हें मिले हैं, क्या करोड़ों रुपए से ये लोग लखपति हो जाएंगे या इनका जीवन कट जाएगा? लेकिन हमारी राजनीति जो प्रभावित हुई है उसका क्या? इस वक्त हमारे साथ नरोत्तम नाम नरोली जी जुड़ गए, जो कि अम्बेडकर राइज पीपल वॉइस जो यूट्यूब चैनल है बहुजन समाज का उसके फाउंडर हैं और संस्थापक हैं और रिपोर्टर भी उसी के। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये समझिए बहुजन समाज ने वोट कांग्रेस को इसलिए दिया था कि संविधान विरोधी भाजपा को रोका जा सके, लेकिन विधायक मंत्रियों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुजन समाज को बेच दिया। चलिए अक्षय, कोई कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब साथ। अक्षय पालिया जी बोल रहे हैं कोई कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब साथ हैं। एक साथी और जय भीम, हम बामन बेश्रम जी की बामसेब की ज़रूरत नहीं है, नांदेड़ महाराष्ट्र जी। बिल्कुल बामन बेश्रम जी की बामसेब को मुझे नहीं पता, मैंने बामन बेश्रम को नहीं पढ़ा है वो किस तरह के नेता हैं, तो मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जितेंद्र पालिया जी,
जितेंद्र पालिया जी, अरे सोनू भाई जी जवाब दो। तो साथी मैं आपको बता देना चाहूँगा, थोड़ा सा इंटरनेट इधर प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से कमेंट आपके बाद में आ रहा है मुझे। चलिए मैं आपके सवाल को ढूंढता हूँ, मेरा सवाल का जवाब दो। नीति भाई साहब का नंबर भेजना, नीति भाई साहब का नंबर भेजना, एक मेरा सवाल का जवाब दो। जितेंद्र पालिया जी आप अपना सवाल दोबारा से कर लीजिए, क्योंकि इससे जो सवाल कट जा रहे हैं, आपके सवाल नहीं पहुंच रहे हैं, आप अभी डिस्प्ले में भी देख रहे होंगे। एक मिनट में आपको ये चार्जर हैच के, ये देखिए आप अपने सवाल देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो है सवाल जो है काफ़ी लेट जो है शो कर रहे हैं, जिस कारण से मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। यदि आपका सवाल जैसे मुझे दोबारा से आएगा, आप अपना कमेंट जो है दोबारा से कर दीजिए, तो मैं आपके सवाल का जवाब देने की फिर से कोशिश करता हूँ जी। तो यही मैं कह रहा था कि आखिर बहुजन समाज की गलती क्या थी, क्या कांग्रेस के उन दलित विधायकों को जिन्हें हम दलित विधायक कहते हैं उन्हें जिताया इसलिए ताकि हम संविधान विरोधी भाजपा को हराया जा सकते, लेकिन हमारे हमारे वोटों का जो सौदा कर दिया गया इनडायरेक्टली। और मैं आपको स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ, यदि आप बहुजन समाज का भला चाहते हैं और बहुजन समाज को पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं, और दलितों पर जो अत्याचार का भी एक सवाल किया था कि दलितों पर अत्याचार कब थमेगा, तो आपको मैं बता दूं, जिस व्यक्ति की या जिस पार्टी की सरकार होती है, जिन लोगों की सरकार होती है, उन लोगों की तरफ कोई आंख उंगली नहीं उठा सकता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम कहा करते थे अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखना है तो अपनी सरकार बना लो, क्योंकि जिनकी सरकार होती है उनकी बहन बेटियों की तरफ लोग उंगलियाँ नहीं उठाते हैं। तो यही स्पष्ट समझ लीजिए कि बीजेपी कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, और जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी हम लोगों के ऊपर जो है अत्याचार बंद होने वाले नहीं है। जी जितेंद्र पालिया जी आपका सवाल आ गया, 2003 में भूल सिंह बरैया को क्यों निकाला गया पार्टी से, तो ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब भूल सिंह बरैया जी को पार्टी से निकाला गया उस वक्त मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं था, और बहुजन समाज पार्टी में मैं लगभग 2014 में शामिल हुआ हूँ। तो इस सवाल का मैं आपके जवाब नहीं दे पाऊँगा कि भूल सिंह बरैया को क्यों निकाला गया था, लेकिन आप अगले संडे की जो अगली लाइव होगी उसमें मैं आपके इस सवाल का जवाब जो 100% देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी होगी, आखिर फूल सिंह बरैया को पार्टी से क्यों निकाला गया। क्योंकि मैं अभी से अगर आपको जवाब दे दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, हो सकता है मुझ पर कुछ गलत बोल जाए, या मुझे जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं मैं उसका सवाल का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन अभी तक वो लोग अग्रित हो गए हैं उसके किसको जाता है जी। तो साथी आप अपना सवाल जी अगले, तो यही मैं कहना चाहता था कि साथियों अगर बहुजन समाज की गलती क्या थी, इन लोगों को बड़ी मेहनत लगन से विधायक बना और अपने स्वार्थ के लिए ये लोग पार्टी बदल लेते हैं, या अगर मान लीजिए फिर से हम कांग्रेस या भाजपा को फिर से वोट देते तो क्या गारंटी कि हमारे लोग पर अत्याचार जो है बंद होंगे, कभी नहीं बंद होने वाले, इसलिए हमें अपनी सरकार बनानी होगी, और हमारी अपनी सरकार है वो बहुजन समाज पार्टी होगी। अगर आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाते तो इस बात की गारंटी है कि आप पर जो है अत्याचार होना बंद हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर अत्याचार करें। और इस बात का उदाहरण आप उत्तर प्रदेश की सरकार से ले लीजिए, जब 2007 की बहन मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो जिस दिन बहन मायावती जी ने शपथ ली थी उसके एक दिन पहले जो वहाँ के क्रिमिनल थे, उसके गुंडे थे, खनन माफिया, रेत माफिया, जो गुंडे थे वो एक दिन पहले प्रदेश छोड़कर पलायन करने का काम किया था। तो आपको यही अपील करना चाहूँगा कि आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपको अपने आपके हक और अधिकार दिला सकती है, आप पर हो रहे अत्याचार को रोक सकती है। 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट। तो साथियों लाइव जो है काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 9 बजे से मैंने अपने इस लाइव को शुरू किया था, 1 घंटे हो गया है, और आशा करता हूँ जो बात मैंने आपको कही होंगी वो आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। यदि आपके और कई सारे सवाल हैं तो आप मुझे मैसेज में आकर मुझे सवाल कीजिए, आपके एक सवाल का जवाब
जो मिलेगा। और बहुजन समाज की हर अपडेट पाने के लिए आप मेरे एफबी अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, आप मित्र बनिए और मेरे लगातार जो पोस्ट हैं उन पर जो अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखना है, अपने ऊपर अत्याचार रोकना है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। और सरकार बनाने के लिए मुझे नहीं लगता कि आप 100 विधायक जीतें, अगर हम 30 विधायक भी पूरे मध्य प्रदेश में जीतते हैं, यदि उपचुनाव में यदि हम 10 से 12 भी जीतते हैं, तो बीजेपी कांग्रेस जिसकी भी सरकार बनेगी उसे यदि घुटनों के बल अगर खड़ा नहीं कर दे तो बहुजन समाज का हमें एक छोटा सा कार्यकर्ता मत कहना। हम अपने शर्तों पे, बहुजन समाज पार्टी अपनी शर्तों पर बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनाएगी यदि किंग मेकर की भूमिका निभाती है। सोनू भाइया पर अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए। तो अनिल भाई जी, अभी जैसे लाइव ख़त्म होगा आप मेरे एफबी अकाउंट के अबाउट में जाइए, वहाँ पे मेरा नंबर है और मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, मेरा नंबर 7024 4×7 है 77 77 17। तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आप मुझे जब चाहे कॉल कर दीजिए। तो लाइव ख़त्म करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, हर विधानसभा में सक्रिय हो जाइए, बहुजन समाज पार्टी को जिताइए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए और अपने ऊपर हो रहे अन्याचार को रोकिए, क्योंकि हमें अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। जो कांग्रेस पर हमने जो भरोसा दिखाया था लेकिन विधायकों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए जो है, मुझे नहीं पता ये बिके हैं या किसी के कहने पर गए हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। तो यही कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, अपने प्रत्याशियों को मजबूत करें और दिन रात एक कर दो बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुजन समाज के कारवा को जो है बहुत आगे ले जाने वाले हैं। तो आप लगभग एक घंटा मुझे बहुत आपने लाइव दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले संडे को, आज कौन सा वार है, संडे है शायद, तो अगले इसी 7 दिन बाद इसी रात 9 बजे मैं आपके इसी एफबी अकाउंट से लाइव रहूँगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपको जय भीम, जय नमो बुद्धाय, जय ओबीसी, बहुजन महापुरुष जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फुले, साहू, अम्बेडकर, पेरियर, सभी को एक साथ नमन करता हूँ और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को जय भीम करते हुए अपने इस लाइव को ख़त्म करूँगा। आप सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, आप लोग हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।